जब ये यहां पर आए तो सिर्फ 60,000 रुपया कमाते थे। वही 60,000 रुपया कमाने वाला बंदा 10 लाख रुपया कमा रहा है। हालेलुया, इस ब्रदर जी का नाम बलकार है और जो जिला संगरूर घोड़े नाव गांव के रहने वाले हैं। और इस ब्रदर जी की गवाही जे बता रहे कि 8 साल से जे प्रभु पर विश्वास कर रहे थे और जे बता रहे कि इनका जो काम है वो खेती का है और जे 8 साल से प्रभु पर विश्वास तो कर रहे थे पर जे 8 साल से जो प्रार्थना कर रहे थे अपने वंशों के बंधनों को तोड़ रहे थे और जब भी जे प्रार्थना करते थे तो जे प्रार्थना में परमेश्वर से बोलते थे कि परमेश्वर हमारे पापों गुनाहों को माफ कर चुके हो और जे नेगेटिव प्रेयर कर चुके हो कि बोलते थे कि करो ध्यान से नहीं तो सारा आगे पीछे हो जाएगा। हाँ, मतलब ये ऐसे बोलते थे क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से ही 8 साल से प्रभु में और यहाँ पे इन्हें जुड़े हुए अभी कितना टाइम हो गया? दो साल अभी 2 साल शायद कंप्लीट नहीं होंगे। हाँ, तो आज इनकी बड़ी गवाही है। तो ठीक है, बोलो बताऊं, अभी आगे बताऊं। सुनो एक चीज, अभी अपने सुना कि जब यहाँ पे नहीं आए थे तो इससे पहले ये अपनी प्रार्थना में अपने बंधनों को तोड़ते थे। क्या करते थे? और ये ऐसे प्रार्थना करते थे कि परमेश्वर मेरे गुनाहों को माफ कर, मुझे चंगा कर, मैं पापी हूं, मेरे पाप क्षमा कर, दया कर, ऐसे ऐसे करते थे। पर यहां पे जब आकर इन्होंने सीखा, क्योंकि ये तो संगरूर से हैं, कहां से हैं? इनका जिला संगरूर है और इनके गांव का नाम है घोड़े नाव, यहां से 250 किलोमीटर दूर है, समझ आ रही? तो जब इन्होंने ऑनलाइन इस मीटिंग को सुना तो जो हमारी इस मिनिस्ट्री की टीचिंग है, हम जो बताते हैं, क्योंकि आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह क्रूस पर अपना जीवन देकर सारे बंधनों को तोड़, पर कुछ लोग अच्छे से ही नहीं समझते तो वो तोड़ते हैं, वो टूट चुके हैं। बोलो क्या है? वो टूट चुके हैं। कुलसियों 2:14 में लिखा है ना, बोलो क्या है? कि सारे बंधन यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने जीवन को किल्लों से जड़कर जो विधियों में लेख लिखा था, शैतान ने हमारे कर्मों में वो लेख लिख दिया था, उसने क्रूस पर किल्लों से जड़कर हमारी विधियों से जो लिखे थे वो मिटा दिए। तो जब यहां पे आए तो इन्होंने इस बात को समझा। क्या समझा? फिर समझा, फिर ये सही चीज से विश्वास करने लगे। हाँ, आगे बताओ, अब बताओ। और जैसे जी पॉजिटिव शिक्षा, पॉजिटिव प्रेयर को इन्होंने सीखा और जी बता रहे कि उससे पहले जो इनकी साल की इनकम थी वो 60,000 थी और जैसे जो पॉजिटिव शिक्षा को इन्होंने जो सीख रहे थे और लगातार प्रार्थना कर रहे थे तो इन्होंने सही तरह से सही रीति से अपने बीज को, अपने विश्वास को निकालना शुरू किया। तो अभी जो बता रहे कि जो इनकी साल की इनकम है वो 2 लाख रुपए है। तो जैसे ही परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया और फिर जो बता रहे कि इनका मन था कि और भी आगे अपना बिजनेस खोलना चाहते थे और जैसे इनको पैसों की ज़रूरत थी और उसके लिए जो बता रहे कि इनके गांव में कुछ दूरी पर ही इनकी ज़मीन थी जो कि इन्होंने 1 किला ज़मीन थी जो कि इन्होंने बेच दी, सेल कर दी और उसके जो पैसे इनको मिले तो वो 5 लाख था। और जो बता रहे कि जैसे इनको पैसे मिले उससे इन्होंने अपने कुछ पशु खरीद लिए। नहीं, वो जमीन 5 लाख की, सुनो मैं और भी समझाता हूँ क्योंकि ये गवाही थोड़ी सी इसमें काफी चीजें समझने वाली है। हाँ, तो 5 लाख इन्होंने एक किला अपना बेच दिया तो 5 लाख मिला नहीं, वो तो इनका किला 20 लाख में, तो कितने में? 20 लाख का बिका, पर 5 लाख इन्हें ब्याने का मिला। किस चीज का मिला? 5 लाख कितना? ब्याने का। और उन क्योंकि इन्हें जरूरत ही, ये अपना काम खोलना चाहते थे कोई, तो फिर आगे बताओ क्या लिखा है, आगे बताओ। और जैसे इन्होंने कुछ उस पैसे से कुछ पशु खरीद लिए और जो इन्होंने ब्याना कराना था रजिस्ट्री का, तो जे बता रहे कि जैसे उसकी डेट निकल रही थी और जब जे ब्रदर जी ब्याना कराने के लिए गए
तो वहां पर इनको पता चला कि इनकी जो लिमिट थी और उसका भी इनको 5 लाख रुपया देना था, और जिसके कारण जब इनको पता चला तो ये काफी परेशान हो गए, क्योंकि अगर वो लिमिट ना क्लियर होती तो इन पर केस हो सकता था, और जिसके कारण से ब्रदर जी काफी परेशान हो गए। और फिर उसके बाद इन्होंने बताया कि इनके पास 1.5 लाख की 1.5 किला जमीन थी, जो इन्होंने वो भी सेल कर दी, और जैसे उससे जो इनको पैसे मतलब समझे, 1 किला इन्होंने पहले सेल कर दिया और 1.5 किला इनके और इनके पास था। बोलो क्या था? क्योंकि इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं थी, क्योंकि जो किला इन्होंने पहले सेल किया उसका 5 लाख ब्याने का मिल गया। क्या मिल गया? मिल गया। पर जब उस किले की रजिस्ट्री का टाइम आया, बोलो क्या आया, तो क्योंकि ये सरकार से ऐसे लिमिट होती है, अगर वो क्लियर नहीं है तो रजिस्ट्री नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती? रजिस्ट्री नहीं हो सकती। पर इन्होंने अब ये 5 लाख बैंक में जमा कराएंगे, फिर जाकर इनकी रजिस्ट्री होगी। और वो बंदा कह रहा था कि मैं तुमने हमारे साथ धोखा किया है, ऐसा तुम कर रहे हो, तुम्हारे पैसे देने वाले हैं तो हम तुम पर केस करेंगे। इसीलिए इन्होंने फिर जो इनके पास और ऑप्शन नहीं थी कि कहाँ से पैसे इतने लाए, समझ आ रही है, तो उन्होंने जो 1.5 किला इनकी और जमीन थी वो भी क्या कर दी, सेल कर दी। फिर उसका इन्होंने 5 लाख बैंक को पे किया और उसकी रजिस्ट्री हुई, है ना। हाँ ठीक है, बताओ आगे। और फिर उसके बाद जे बता रहे कि इनका मन था कि जे आगे और भी जमीन लेना चाहते थे, पर जे बता रहे कि इनके पास पैसे नहीं थे। और फिर जे बता रहे कि किसी ने इनको सलाह दी कि आप गहने पर जमीन खरीद लें, और जैसे इसके लिए इन्होंने जैसे प्रभु के दास के साथ इनकी बात हुई, और जब इन्होंने प्रभु के दास के साथ बात की तो उससे पहले जब इन्होंने बात तो की, इन्होंने जमीन खरीद ली, पर जे बता रहे कि इन्होंने जब जमीन खरीदी तो वो जो जमीन थी वो उन्होंने 5 किले 25 लाख में इनको गहने में जमीन जब इन्होंने खरीदी, तो जो वो मालिक था उन्होंने इनको बोला था कि आप मुझे 4 लाख रुपए दें, क्योंकि उनके जो फैमिली में कोई मेंबर था और उन्होंने बाहर जाना था तो उनको पैसों की जरूरत थी। तो इस ब्रदर जी ने जो 4 लाख रुपया दिया था उनको, उसकी कोई लिखित नहीं थी ना कोई गवाह था, तो इन्होंने अपने आप ही उनको 4 लाख रुपया दे दिया। तो जैसे उन्होंने दे तो दिया, पर जैसे जब अपने घर आए तो इनको कुछ लोगों ने बताया, तो कुछ दिनों बाद ही उन्होंने बोला कि जो जमीन आपको गहने में हमने दिए वो उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं देंगे, और जो इन्होंने कुछ पैसे भी दे दिए 4 लाख, और उसके उससे प्लस इन्होंने बताया कि जो जमीन इन्होंने खरीदी थी गहने पर उसमें इन्होंने गेहूं का बीज भी लगा दिया, और उसका जो कर्ज था वो 26,700 रुपये था, और जे भी इन्होंने पैसे खर्च कर दिए। पर जब उन्होंने जमीन देने से मना कर दिया तो जे काफ़ी परेशान हो गए कि उन्होंने पहले 4 लाख दे दिया प्लस जो जमीन में गेहूं का बीज लगाया था उसके भी पैसे खर्च हो गए। तो इनके आस पड़ोस के लोग इनको कहने लगे कि वो जो मालिक है वो आपके पैसे वापस नहीं करेगा, और अभी उन्होंने जमीन देने से भी मना कर दी। फिर से इन्होंने प्रभु के दास के साथ जब बात की तो प्रभु के दास ने भी इनको उत्साहित किया कि आपने जमीन तो गहने पर ली थी, पर जो आपने 4 लाख रुपया दिया था उसके लिए आपको लिखित करनी चाहिए थी, किसी गवाह को साथ लेना चाहिए था, पर इन्होंने अपने आप ही उनको दे दिए। पर फिर भी परमेश्वर के दास ने उनको उत्साहित किया कि परमेश्वर भले आप डरना नहीं, आप धन्यवाद करो, परमेश्वर आपको वो पैसे दिलाएंगे। और जैसे जो बता रहे कि इनके जो मिसेज हैं, और उन्होंने 3 नवंबर की मीटिंग को वो घर में ऑनलाइन ही देख रहे थे, और जैसे प्रभु के दास के मुख से परफेक्टिक वर्ड आया था कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है किसी भी तरह की है, और आज आप परमेश्वर के आगे रखें और परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे, गवाही के साथ खड़ा करेंगे। पहले हम इस वीडियो क्लिप को देखेंगे। जितने ऑनलाइन इस मीटिंग को देख रहे हैं, अपने घरों में खुदावंद से अपने हाथों को उठाएं और अपने मन की बात आज खुदावंद के आगे रखें। आज अपने मन की बातों को खुदावंद के आगे रखो। मैंने कहा आगे रखो। मेरा विश्वास है कि आपको 7 दिन के अंदर अंदर परमेश्वर आपको आंसर देगा, उत्तर देगा। मैंने कहा हर बात को आज आप परमेश्वर के आगे रखो।
सात दिन के अंदर अंदर परमेश्वर जो चाहते हो परमेश्वर उसका उत्तर देगा और निश्चय ये बात आपके जीवन में पूरी होने वाली है। मैंने कहा ये पूरी होने वाली है, ये बात स्वर्ग की ओर से है, खुदावंद ने आज आपको दी है। मैंने कहा ये बात स्वर्ग की ओर से और खुदावंद ने आज आपको दी है। जितने ऑनलाइन इस मीटिंग को देख रहे हैं, आज अपनी अपनी बात को, अपने अपने मसले को, अपनी अपनी प्रॉब्लम को, अपनी अपनी जरूरत को खुदावंद के आगे रखो। जैसे इस वर्ड को इनकी मिसेज ने रिसीव किया और जो इनका जो गंभीर मसला था इन्होंने परमेश्वर के आगे रखा और प्रार्थना में बने रहे और सात दिन में जो इनके पैसे थे 4 लाख और प्लस जो गेहूं का बीज के लिए भी इन्होंने पैसे खर्च किए थे 26,700 वो भी 7 दिन के अंदर ही परमेश्वर ने वो पैसे इनको मिल गए और उससे भी परमेश्वर को ब्लेस किया। और फिर इन्होंने और भी आगे जमीन खरीदी जिन्होंने बताया कि 10 किले जमीन इन्होंने और ली जो कि 1 किला 3,80,000 का था और जो 10 किले थे वो 38 लाख के थे। और ये भी गहने ली नहीं जिससे परमेश्वर इनको ब्लेस किया। फिर नहीं 10 किले जो अभी लिए ये अपने लिए कि ये भी गहने लिए ये इनसे पूछते हैं गहने लिए हैं जय मसीह की गहने लेते नहीं ये गहने लिए कितने कितने के 3,80,000 टोटल कितने लाख 38 लाख 38 लाख हाँ ठीक है हाँ आगे बताओ। और उससे जो बता रहे कि इनको परमेश्वर जो इनको बचत हुई है वो 12 लाख की बचत हुई है और आज ये परमेश्वर का बहुत ही थैंक्स करते कि हर एक चीज में परमेश्वर इनको ब्लेस ही किया है। जैसे जे हर एक नियम टू रिकॉर्डिंग परमेश्वर के साथ चल रहे थे और आज परमेश्वर ने हर एक प्रॉब्लम से इनको फ्री किया और आज इनको ब्लेस भी किया है और इस गवाही के लिए जो परमेश्वर का धन्यवाद करते। सुनो 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 अभी सुनो ध्यान से सुनो कहले पहले जो 5 किले गहने लिए हाँ कैसे कैसे इस गवाही में कितने पॉइंट्स हैं कितनी शिक्षा है ना नहीं है। पहले पहले 1 किला बेचा इन्होंने अपनी जरूरत के लिए पैसे खर्च कर लिए इनकी लिमिट थी उसका चक्कर पड़ गया फिर 1.5 किला भी बेचना पड़ा चलो पैसे तो पे कर दिए पर इतने पैसे नहीं थे कि ये फिर दोबारा जमीन ले सके क्या ले सके। तो फिर अभी किसी ने सलाह दी कि आप गहने पर ले लो क्योंकि जो गहने पर जमीन लेते हैं आपके पैसे तो सेफ रहेंगे क्या रहेंगे आपके पैसे 3 साल 5 साल तक अगर तो आपके पैसे तो फिर आपको वापस उतने मिल जाएंगे। तो कहीं पर इन्हें 5 किले जमीन मिली 1 किला 5 लाख का 25 लाख के 5 किले 1 किला 5 लाख का पर उन्होंने जिनकी ये जमीन थी तो उन्हें कुछ अर्जेंट पैसे चाहिए थे तो 4 लाख इन्होंने ऐसे दे दिए क्या कर दिए पर बाद में वो बंदा मुकर गया समझे हैं उसने मना कर दिया कि नहीं मैंने अब मैंने नहीं जमीन देनी मैं आपके पैसे क्या कर दूंगा। तो ये आस पड़ोस इनके पड़ोसी कहने लगे वो बंदा ऐसा है वो अब नहीं देगा क्योंकि आपके पास तो कोई लिखत भी नहीं है बोले क्या है। तो जब बात हुई तो हमने कहा नहीं आपका मन सच्चा है परमेश्वर आपके साथ आपका कोई नुकसान नहीं होने देगा समझ आ रही है। फिर क्या हुआ कि फिर से वो पैसे भी दे दिए 4 लाख जितना खर्च लगा था वो भी दे दिया और प्लस परमेश्वर ने और रास्ता खोला कि 10 किले और इन्हें गहने मिले जो सिर्फ 3,80,000 का 1 किला। तो अगर ये जैसे पहले 5 लाख का 1 किला लिया था अगर फिर ये 5 लाख का लेते किला तो इनके पैसे कितने खर्च होने 10×5=50 लाख समझ आ रही ना। पर अब कितने कितने लाख का 12 लाख का तो ये परमेश्वर ने इनका 12 लाख से अपना कोई भी काम कर सकते हैं नहीं तो वो तो चाहे वो पैसे इन्हें वापस मिल जाते 3 साल 5 साल बाद पर ब्लॉक तो हो जाते उनके पास ब्लॉक तो होते ना। पर अब 12 लाख का भी परमेश्वर ने बचत की और 12 लाख से और भी अपना काम कर सकते हैं हाँ। अब आप थोड़ा सा बताएं जो जो 10 किले आपके पास हैं अब आपको उससे कितना कितने पैसे बचेंगे साल के आमदन भाई हाँ आमदन 1 लाख रुपये खर्चा करते और एक खर्चा निकाल कर 1 लाख रुपया बोलो क्या है
एक ले गए पीछे 1 लाख बचेगा और 10 किल्ले जमीन के पीछे 1 किले के हिसाब से कितना 10 लाख। देखो जब ये यहां पर आए तो सिर्फ 60,000 रुपया कमाते थे, वही 60,000 रुपया कमाने वाला बंदा 10 लाख रुपया कमा रहा है। बोलो क्या है? जो साल का 60,000 रुपया कमाता था आज परमेश्वर से 10 लाख साल का दे रहा है। आमीन, आमीन। पर ये सब कुछ कैसे हुआ? सुनो, ये सब कुछ कैसे हुआ? मैं हमेशा इन्हें कहता था परमेश्वर महान है, वो सर्वशक्तिमान है। इनकी मिसेस है वो, जब इन्होंने जमीन बेची तो वो कह रही थी कि ऐसा हो गया, मन बीच में काफी मुश्किलें आई, ये नहीं कि आई नहीं आई, आई आगे पीछे हुआ मन कई चीजों में इनकी मिसेस का भी, और इनका मन भी कई चीजों में दोष देता था, इनका भी मन आगे पीछे हो रहा था, प्रेयर में मन नहीं लगता था, मीटिंग को भी अच्छे से सुन नहीं पाते थे। पर हमने हमेशा इन्हें उत्साहित किया, उत्साह दिया कि नहीं, परमेश्वर सच्चा है, आपको ऊंचा करेगा, आपके सारे रास्तों को वो खोलेगा, सब कुछ अच्छा होगा। देखो अब इससे इस गवाही में सबसे बड़ी बात क्या है? बोलो क्या है? कि ये जल्द, अगर परमेश्वर ने इतनी सस्ती जमीन बोलो क्या दे दी है गहने, तो जिसमें ये कह रहे हैं कि खर्चा निकालकर हमें साल का 1 लाख बचेगा और अब साल में ये 10 लाख कमाएंगे। अब कितना टाइम लगेगा? ये थोड़े सालों में लाखों इकट्ठा कर लेंगे, बहुत इकट्ठा कर लेंगे, बहुत इकट्ठा करेंगे। पर ये सब कुछ कैसे हुआ? और सुनो, क्योंकि ये बोने में बहुत वफादार है। बोलो क्या है? ये बोने में बहुत वफादार है परमेश्वर से। बोलो क्या है? और उसी का ये फल है। बोलो क्या है? इसीलिए यीशु मसीह ने क्यों कहा मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, एक से वो बैर रखेगा, एक से प्यार रखेगा। हम अपने आप से कुछ नहीं देते, वो देने वाला वो परमेश्वर है। पर कई लोग जब शरीर में होते हैं तो उनका मन पैसों पर आ जाता है, शरीर की चीजों पर आ रहा है, इतने कैसे दे हम, हाँ। पर जब हम देते हैं तो खुदावन अपना स्वर खोलता हमारे लिए। क्या खोलता? बोलो। अब ये मत सोचो कि मैं गरीब हूं, मैं मेरा तो अपना मुश्किल से गुजारा होता है, परमेश्वर इन चीजों को नहीं देखता। विधवा का दान प्रभु ने क्यों सराहा? क्यों सराहा? क्योंकि लिखा उसने अपनी जीविका को बो दिया। और जब आप बोते हो तो आपका स्वर्ग में लिखा जाता है, कहां पे लिखा जाता है? और वहीं से आशीष बनकर पृथ्वी पर आती है और आप अपनी गवाहियों से खड़े होते हो। आमीन। मैंने कहा अपनी गवाहियों से आप खड़े होते हो, जैसे ये आज खड़े हैं, कितने खुश हैं। बोलो क्या है? कितने खुश हैं। एक समय जमीन बिकी, कुछ समझ नहीं आ रही थी, कैसे 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 परमेश्वर इन्हें हर मुश्किल से, हर मुसीबत से निकालता गया, हाँ, और आगे लेकर जाता गया, हाँ। ये आज भी ये फेथफुल हैं, अपनी जमीन का जितना भी ये उसकी फसल काटते हैं उसका 10% सबसे पहले खुदा को देते हैं। क्यों जी, ऐसे ही करते हो ना? हाँ जी पापा जी। देखो तो इसी से परमेश्वर ब्लेस करता हमें। इन्होंने परमेश्वर के भवन के लिए सबसे ज्यादा बोया है और आज हम उसकी भी आपको गुड न्यूज देंगे, जिसकी जिन लोगों ने बोया है हमें। तो कहीं इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी आशीष के लिए चोर से खुदावंत का दोनों हाथों को उठाकर धन्यवाद करें। धन्यवाद करांगा मैं, तेरे यीशु ने बताया है। धन्यवाद करांगा मैं, तेरे यीशु ने बताया है। मैं तू कद के